nu ami ami andante ni pella nai poina tumira आज हम फिर से रील्स पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने वाला बीट साइन स्टेटस वीडियो का एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर के आ गए हैं, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे या फिर स्टार्टिंग में देख लिए होंगे। समी समी रील्स फोटो वीडियो एडिटिंग। तो अगर आपको भी कुछ इस प्रकार से फोटो स्टेटस वीडियो बनाना है तो वीडियो को इन तक बने रहिएगा। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपके मोबाइल में VN ऐप होना चाहिए, और होगा भी अगर नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद चलिए अब इसका एडिटिंग सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम अपने VN ऐप को ओपन कर लेते हैं। प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा और इसमें आप 23 फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं, आप अपना कर लीजिएगा। तो हम अपने 23 फ़ोटो को ऐड कर लिए। उसके बाद आप यहां से एरो पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिनल, क्लिक कीजिएगा। इसका जो फ्रेम है 9x16 पे क्लिक कीजिएगा और कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैब कर दीजिएगा। अब इसमें आप साउंड को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टैब टू ऐड म्यूजिक, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। साउंड वाला वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। इसका जो भी टाइटल देना है आप यहाँ से दीजिएगा। ओके पे क्लिक करके इसका साउंड बाहर कर लीजिएगा, हम पहले से बाहर करके रखे हैं। उसके बाद आप यहाँ से चूज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर लीजिएगा। और इसमें हम पहले ही टिक लगा करके रखे हैं, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आप भी टिक लगा लीजिएगा। कैसे लगाना है चलिए करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टाइमलाइन है जूम कर लीजिएगा दो फिंगर के हेल्प से। तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं, आप अच्छे तरीके से इसको जूम कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप इसी म्यूजिक बार पे क्लिक कीजिएगा, बीट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका साउंड ओपन होकर के आ जाएगा। और कहां कहां पर बीट गिरेगा आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सेकेंड। तो यहां से आप बारी बारी से सेकेंड देख देख करके आप यहां से टिक लगा लीजिएगा, हम पहले से लगा करके रखे हैं। चलिए एक टिक लगा करके दिखाते हैं। मान के चलिए मेरा जो फर्स्ट बीट है यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। तो आप सेकेंड देख लीजिएगा कि आपका जो फर्स्ट बीट है कहाँ पर गिरता है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेकेंड को मैच कर लीजिएगा और जहाँ पर गिरेगा टिक लगाने के लिए इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर टिक लग जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं लगाना है क्योंकि हम पहले से ही लगा करके रखे हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो आप सेकेंड देख देख करके आप यहाँ से टिक लगा लीजिएगा। टिक लगा लेने के बाद आप यहां से डन पे क्लिक कर दीजिएगा और जहां जहां पर आप टिक लगाए हैं इसको आप कटिंग कर लीजिएगा। चलिए हम कटिंग करके दिखाते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट टिक है यहां पर है, ठीक है। तो इस पर आ जाइएगा और आप अपने फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा, स्प्लिट करके दो भागों में कटिंग कर लीजिएगा और जो आगे का भाग है इसको आप यहाँ से उड़ा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद फिर से आप नीचे से स्क्रॉल करके आगे की तरफ चलिएगा और देख लीजिएगा अगला टिक कहाँ पर है। जहाँ पर गिरेगा आकर के रुक जाइएगा और यहाँ से स्प्लिट करके आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर स्प्लिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप नीचे से स्क्रॉल करके आगे की तरफ चलिएगा, जहाँ पर स्प्लिट करने का ऑप्शन आएगा वहाँ से आप स्प्लिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से आप स्प्लिट कीजिएगा और आगे का जो भी भाग है एक्स्ट्रा इसको आप यहाँ से डिलीट कीजिएगा और इसको आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा जहाँ पर आप टिक लगाए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इसको छोटा करके मैच कर लीजिएगा। चलिए एक और हम करके दिखाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे, आगे का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको डिलीट करेंगे और जहाँ पर टिक लगाए हैं आकर के रुक जाएंगे और हम इस पर क्लिक करके हम इसको इक्वल साइज में कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से आप बारी बारी से आप अपने सभी फ़ोटो को मैच कर लीजिएगा। तो ये जो काम है चलिए हम तेज़ी में करके दिखाते हैं, आप अपना कर लीजिएगा। तो हम अपने सभी फ़ोटो को कटिंग करके यहाँ पर मैच कर लिए हैं। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से आप मैच कर लीजिएगा। मैच हो जाने के बाद आप अपने स्टार्टिंग में आइएगा और स्टार्टिंग से आप 4 नंबर वाले फ़ोटो पर आ जाइएगा। तो हम आ जाते हैं अपने 4 नंबर वाले फ़ोटो पे, ठीक है। तो हम अपने 4 नंबर वाले फ़ोटो पे आ गए। उसके बाद आप यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, इसके स्टार्टिंग में आइएगा और इसमें आपको इफेक्ट्स अप्लाई करना है जूम आउट वाला, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा और इसका जो ड्यूरेशन है आप 0.62 रहने दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर सभी फ़ोटो में जूम आउट वाला जो इफेक्ट है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा पाथ है, ठीक है, इसमें आप इफेक्ट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे बारी बारी से, ठीक है। तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तो इन सभी पाथ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इतना हो जाने के बाद आप इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा और आपका जो फर्स्ट फोटो है इस पर आइएगा और यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा इफेक्ट्स के, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो फ्लेशिंग देखने को मिल जाएगा, ब्लैक वाइट, इसमें आप जो अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। फिलहाल हम ब्लैक वाला अप्लाई कर देते हैं और इसका जो साइज़ है फुल फोटो पे क्लिक कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से और यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप नीचे से स्क्रॉल करके आगे की तरफ चलिएगा तो इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जूम, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जूम इन जूम आउट वाला एनिमेशन, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते होंगे। तो इसमें से आपको जो अप्लाई करना है आप यहाँ से कर लीजिएगा। फिलहाल हम कर लेते हैं जूम इन वाला कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ से आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर से आप अपने अगले इमेज पे आइएगा, अगले भाग पे आइएगा और यहाँ से आप इफेक्ट्स को ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से इफेक्ट्स को ओपन कर लेते हैं और इसमें आपको अप्लाई करना है जीतेल वाला, ठीक है। चलिए आपको करके दिखाते हैं, इधर आपको देखने को मिल जाएगा जीतेल, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। इसको आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा, फिर यहीं से आप डन पे क्लिक कीजिएगा, फिर आप अपने अगले फोटो पे आइएगा, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा और इसमें भी आपको अप्लाई करना है जीतेल, फिर यहाँ से आप डन पे क्लिक कीजिएगा, अगले फोटो पे आइएगा और यहाँ से इफेक्ट्स को ओपन कीजिएगा और यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है जीतेल, ठीक है। आप यहाँ से तीन फोटो में जीतेल वाला जो इफेक्ट है अप्लाई कर दीजिएगा। लीजिए, हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है, अब इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा। अब इसमें एक लाइटिंग इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टैब टू एड स्टिकर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कीजिएगा। लाइटिंग इफेक्ट वाला वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। तो चलिए हम उसको अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं वो इफेक्ट्स कहाँ पर है, ठीक है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, आप डाउनलोड कीजिएगा और उसको आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। स्क्रॉल करके आप आगे की तरफ चलिएगा तो इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, उसको आप यहाँ से ओपन कीजिएगा और यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक करके आप यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए, हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है, चलिए आपको एक बार प्ले करके दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर आपको एक्सपोर्ट करने का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा और यहाँ से डन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।